हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और वो है दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल और असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर के फॉर्म से रिलेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते थे कि इसके फॉर्म रीओपन कब होंगे। इसके लिए मैंने एक्सपेक्टेड मंथ आप लोगों को पहले ही बताया था, लेकिन अब एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है जो शायद आप लोगों को नहीं मिली होगी। आज मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो आपको थोड़ा सुकून देगी और बस ये कहूँगा कि अब पढ़ना स्टार्ट कर देना। बहुत जल्द आप लोगों को एग्ज़ाम देखने को मिलेगा और फॉर्म भी आप लोगों के बहुत जल्द रीओपन होंगे। ऐसी ही कोई भी एग्ज़ाम अपडेट के लिए अगर अभी तक आपने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी एग्ज़ाम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आप भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तरह उन 217 छात्रों में से एक होना चाहते हैं जिन्होंने रिटन क्वालिफाई किया है और HCM में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, हेड कांस्टेबल बनना चाहते हैं दिल्ली पुलिस में, कांस्टेबल नहीं कर पाए लेकिन अब मौका है हेड कांस्टेबल में जान लगाकर इस जॉब को पक्की करने का, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर का फॉर्म भर के इस जॉब को लेने का। सारी डिटेल्स पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले दोस्तों, आपने इस वर्ड के बारे में सुना ही होगा, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब तक ये साइन नहीं होता तब तक कोई भी भर्ती और कोई भी फॉर्म वैलिड नहीं होता। अभी तक इस पर साइन नहीं हुआ था लेकिन कल की न्यूज के अकॉर्डिंग MOU साइन हो चुका है। सितंबर के लास्ट तक या फिर अक्टूबर में 99% जो आप लोगों की संभावना है कि सितंबर के अंत तक आप लोगों को HCM के फॉर्म देखने को जरूर मिल जाएंगे। HCM के फॉर्म आपको 100% देखने को मिलेंगे सितंबर के लास्ट तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि आप पुराने छात्रों को मौका मिलेगा। दोस्तों, जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग, एज पर दैट इन्फॉर्मेशन, 90% चांसेस है आप लोगों को मौका मिलने वाला है। बाकी ये सभी क्लियर होगा, जैसा कि मैंने 90% बोला, 100% नहीं, लेकिन 90% आप लोगों को चांस है। वहां पर जिन छात्रों ने पूरा पहले फॉर्म फिल किया था उनको भी मौका मिलने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम इसका कब तक होगा? जनवरी एक्सपेक्टेड मंथ रहेगा इसका एग्जाम होने का। अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं किया है तो जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जनवरी में इसका एग्जाम होगा और बहुत सारे छात्र पहले से ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जो अपनी मैथ्स और रीजनिंग को प्रिपेयर कर रहे हैं। 100 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको टारगेट हर एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए कुछ सब्जेक्ट्स को टारगेट करना होता है। अगर आप इन्हीं सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे तो आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा और वो है आपका मैथ्स और रीजनिंग। क्या है मैथ्स और रीजनिंग? दोस्तों, मैं यहां पर आपको गारंटी देता हूं कि 45 में से 40 तक स्कोर मैं आपको यहीं पर करा दूंगा अगर आप मेरे अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं। मैंने ऐसे ही टारगेट किया था दिल्ली पुलिस वालों छात्रों को जिन्होंने कांस्टेबल की तैयारी किया था। एक टारगेट बनाना बहुत जरूरी है, तो इन सब्जेक्ट्स को आपको टारगेट करना होगा। और इसी के लिए मेरे कुछ बैच भी अवेलेबल है, जो आप प्ले स्टोर पर जाइए, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी लिखिए, मैं नीचे भी लिंक डाल दूंगा, और जल्दी से इस बैच को परचेज करके अपनी तैयारी शुरू कर दो क्योंकि अब मौका नहीं है। और एक और चीज ध्यान रखना, एक और चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर ये भर्ती भी आपने हाथ से जानी दी तो लगभग 2025 तक, उसके बाद आपको हेड कॉन्स्टेबल की कोई भी दिल्ली पुलिस में भर्ती नसीब नहीं होने वाली है। भूल जाइएगा, 4 साल तक शायद आपको वैकेंसी देखने को ही ना मिले। तो इसी बार देख लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, बैच अवेलेबल है, ज्वाइन करना है, लेकिन शर्त यह है कि जो मेहनत कर सकता है, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करता, मैं क्वेश्चन को बोलकर लिखवाता हूं क्योंकि मैथ्स लिखकर होता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करवाने वाला हूं। और आप अगर मेहनत सच में कर सकते हैं तो ही बैच लीजिएगा, अदरवाइज प्लीज, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको नोट्स बनाकर दे दे, कोई आपको PDF प्रोवाइड कर दे, तो मेरे यहां पर यह नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों का 1 साल का वैलिडिटी होगा बैच का और उसमें आप लोगों को पूरा मैथ्स का कोर्स मिलेगा, रीजनिंग का अलग से आप कोर्स ले सकते हैं। दोनों का कोस्ट आपका 600 रुपये कम से होगा, मतलब ये भी 600 से कम है और ये भी 600 के आसपास ही होगा, यानी कि दोनों को बैच आप लोग 1200 के आसपास में ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतरीन क्लासेस, सिलेक्शन को ऐसे टारगेट करूंगा कि 45 में से आप 40 नंबर स्कोर करने लगे, लेकिन ये तभी होगा जब आप भी मेहनत करने के लिए तैयार हो। मैंने तो मेहनत किया है, बाकी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं,
आप लोगों में से ऐसे बहुत से छात्र होंगे जिन्होंने पहले ही DPHCM का बैच ले रखा है, वो भी नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि अभी मैंने एक ऑफर भी दिया था उसके अकॉर्डिंग भी काफ़ी बच्चे उसमें जुड़े थे। तो याद रखिएगा सेप्टेम्बर में 99% चांस है आने का, अक्टूबर तक 100% आ जाएगी। MOU साइन हो चुका है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और बहुत जल्द आपको ये भर्ती अब देखने को मिलेगी। अब आप परेशान मत होइए, अपनी तैयारी करते रहिए। वैसे मुझे पता आप 2019 से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब दोबारा से किताबों को उठाने का समय आ गया है। आप लोगों को याद होगा मैंने एक कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, वो वीडियो भी बनाया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो और आप अपनी तैयारी आराम से कर सके। दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, ऐसी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आज ही प्ले स्टोर से ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए, जब भी कोई मैं वीडियो डालूं, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।